आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन या एक्स्ट्रा सवाल। अब यहाँ पे समझने वाली बातें क्या हैं, यहाँ देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस थोड़े से चेंज होके आते हैं। तो सबसे पहले हमें देखते हैं क्या करना है, फाइंड द सम। हमें क्या निकालना है, सम्स निकालना है नीचे दिए गिवन बिलो एपीसीज का। अब हमें नीचे टर्म्स दे रखे हैं और उनका सम निकालना है। तो मेरे बच्चे, सबसे पहले आपको पता है कि जो सम निकालना है उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें गिवन होनी चाहिए। हमें ए पता होना चाहिए, हमें डी पता होना चाहिए और हमें एन पता होना चाहिए। अगर हमें ये तीन चीज़ें पता हैं तो हम एसएम यानी कि सम निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं पहली सीरीज़ के अंदर। तो फर्स्ट सीरीज़ के अंदर हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में 7 + 10 1/2 + 14 + इस तरीके से 84 तक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि हम A1 तो जानते हैं 7, A2 भी जानते हैं 10 से 1/2। क्लियर है? आ रही हो समझ? तो ये कितना हो गया मेरे बच्चे, इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इसको 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो कितना आया 70, 70 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आया 2 को 10 से ट्वेंटी 20 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आया 21/2। देखो ध्यान से। अब जो D निकालने का तरीका है वो तो भी आप जानते हैं कि सर D होता है A2 माइनस में A1। तो A2 क्या है, 21/2। A1 कितना है 7, इसका एलसीएम ले लो। तो अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो कितना आया 2 डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो कितना आएगा 1 को 21 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 21। अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड यानी 1 को 2 से डिवाइड करो 2 आ गया, 2 को 7 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कितना आ गया 14। तो ये कितना आ गया 7/2। लो जी, डी की वैल्यू भी निकल के आ गई। यहाँ तक कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो? तो यहाँ तक आने के बाद अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। अब बेटे सम तो निकालना है, लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि भाई एन कितना है, एन तो पता ही नहीं है सर। अब यहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो एन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को लास्ट नंबर मानना है, ये नंबर मेरा फर्स्ट नंबर हो गया। क्लियर है? तो हम अपना ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। क्लियर है? अब ए एन हमारे पास ये जो है यानी कि ए एन हमारा कितना है, आखिरी वाला नंबर कितना 84। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, 84 इक्वल टू ए मुझे पता ही है 7 प्लस एन मुझे निकालना है, डी मैंने निकाल लिया 7/2। क्लियर है? अब मैं इसको सॉल्व करके अपना क्या निकालूँगा, एन निकालूंगा एन। ठीक है? अब 81/4 में से 7 गए, बचा क्या एन माइनस वन 7/2। अब 84 में से 7 गए तो कितने बचे बेटे 77 इक्वल टू एन माइनस वन 72 7/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 77, ये 2 आ गया बेटे, ये 7, ये नंबर ऊपर चला जाता है, दिस नंबर नीचे आ गया, ये आ गया एन माइनस वन। अब ये इस नंबर से ये नंबर कट गया, सही है जी, बचा कितना, बचा कितना, बचा 11 × 2 इक्वल टू एन माइनस वन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 22 इक्वल टू एन माइनस वन। अब 22 + 1 इक्वल टू एन, 23 इक्वल टू एन। ये लो जी, मेरे पास एन का वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है? ये माइनस वन है ना बेटा, इधर जाके प्लस का जाता है। अब मुझे एस एन के लिए ए भी चाहिए, डी भी चाहिए और एन भी। अब मेरे पास ए भी है, डी भी है और एन भी। तो मुझे S23 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं उसकी वैल्यू अब आराम से निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, एक चीज़ लिख देता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यू आ गई
एस एन का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन टू, ठीक है, ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब मेरे बच्चे एस एन, एन कितना है मेरे बच्चे, ये 23। तो एस 23 इक्वल टू 23 अपॉन टू, टू इंटू ए, ए मेरे बच्चे कितना है 7, प्लस एन 23 माइनस वन, डी कितना है, डी डी है 7/2। लो जी, अब मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ और सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये हो गया एस 23, क्लियर है। तो ये कितना हो गया 23 अपॉन में टू, ये कितना आ गया 14, प्लस 22 मल्टीप्लाई बाय 7/2। अब ये टू से ये कट गया, बचा कितने 11, हाँ या ना। तो कितना आ गया 23 अपॉन टू 14 प्लस 77, क्लियर है, आ रही है समझ में। तो कितना आ गया 77। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो 77 और 14 कितने हो गए, 23 इंटू टू कितना आ जाएगा 7 × 4 = 11, और ये कितने हो गए 91। तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई, ये ऑन द ब्रैकेट। अब मेरे बच्चे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या करा, हमने नॉर्मली एस एन का फॉर्मूला लगाया और एस एन के फॉर्मूले के अंदर सीधी सीधी क्या करी, वैल्यू पुटअप कर दी। और वैल्यू पुटअप करके हमने क्या करा, एस का वैल्यू के लिए ए की वैल्यू, डी की वैल्यू और किसकी वैल्यू निकालनी थी, एन की वैल्यू। तो हमने एन की वैल्यू निकाली किसके ध्यान से, ए एन के फॉर्मूले से। ये ध्यान रखो, ए एन के फॉर्मूले से, इसलिए मैंने कहा था कि सारे फॉर्मूले बहुत ही ज़रूरी होते हैं, तो वहाँ पर आपने उस तरीके से यूज़ करना है। अब मेरे बच्चे चाहे तो आप इसकी मल्टीप्लाई करके यहीं छोड़ सकते हैं कि 23 और 91 है, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा 2093 अपॉन में 2, या इसको डिवाइड करके वैल्यू लिख सकते हैं 104। ये आपकी एस 23 की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो इसमें क्या है, 34 32 प्लस 30। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास क्या है, 34 + 32 + 30 + …10। अब मेरे बच्चे यहाँ पर भी अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या क्या गिवन है, A1 कितना है 34, A2 कितना है मेरे बच्चे 32, D निकाल लूँगा, A2 माइनस में A1, 32 माइनस 34 आया कितना -2। लो जी, मेरे पास क्या आ गया, D का वैल्यू निकल के आ गया। अब मेरे पास क्या चाहिए कि D की वैल्यू निकल के आ गई ना। अब दो तीन चीज़ें ध्यान रखो, क्या क्या कि N तो चाहिए चाहिए ना, लेकिन मेरे पास क्या है, A है और D है, N नहीं है। N के लिए फिर मुझे वही चीज़ लगानी पड़ेगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि An किसके इक्वल होता है, A प्लस N माइनस वन D के लिए। और यहाँ पर An मेरा क्या है, ये नंबर है, तो An कितना है मेरे बच्चे 10। तो यहाँ वैल्यू पुट करूँगा 10 इक्वल टू, A कितना है मेरे बच्चे 34 प्लस 10 माइनस वन, D कितना है गलती हो गई, n की वैल्यू तो निकालनी है बेटा, वो 10 तो क्या है an है, तो 1 और d कितना मेरे बच्चे -2। तो कितना हो गया 10 माइनस 34 इक्वल टू n माइनस 1 -2। अब इसको इससे माइनस करो कितना है -24 इक्वल टू n माइनस 1 -2, और -2 से इधर ले जाओ इसको, तो कितना आ गया n माइनस 1
माइनस से माइनस कर गया, 2 से 24 कट गया, कितना गया 12। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ देखो 12 इक्वल टू एन माइनस वन, तो 12 + 1 इक्वल टू एन, 13 इक्वल टू एन। लो जी मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू भी आ गई। लो मुझे क्या है, ए भी डी भी और एन भी तीनों पता लग गए। अब मैं क्या करूँगा, अपना एस एन फार्मूला, तो एस एन का फार्मूला लगा देता हूँ। तो एस एन फार्मूला एन एन बाय टू, ठीक है, फिर 2a + n-1 डी। लो जी अब एस कितना है, एन कितना है, ये रहा 13, तो आ गया 13/2, 2 × a। ए की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे, 34, प्लस एन कितना है, 13 - 1, डी कितना है मेरे बेटे, -2। तो ये कितना आ जाएगा, 13/2, ये कितना हो गया 68, क्लियर है, प्लस प्लस ये कितना है 12 × -2, ये कितना आ गया 13/2, 68। अब -2 को इससे करो 12 से, तो -24। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 13 2, अब 24, 8 में से 4 गए 4, 6 में से 2 गए 4, तो हमारे पास आ गया 44। इन द ब्रैकेट ये कट जाएगा, कितना आ गया 22, तो ये कितना आया 13/22, ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 286। तो एस 13 की वैल्यू कितनी आ गई, 286। यानी कि साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर एन गिवन नहीं है तो आप ए एन का फॉर्मूला लगा के एन फाइंड आउट कर सकते हो और उसकी वैल्यू को अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्या है, -5 - 8 - 11 - 230। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर है -5 + -8 + -11 + -230। यहाँ पर हमारे पास ए वन कितना है, -5, ए टू कितना है, -8, डी क्या होता है, ए टू माइनस में ए वन, ए टू कितना है, -8, ए वन कितना है बच्चे, -5, तो कितना हो गया, -8 + 5, ये कितना हो गया, -3, क्लियर है। तो डी का वैल्यू निकल के आ गया, ए का वैल्यू हमें पता ही है, अब हमें एन निकालना है, एन की प्रॉब्लम हो गई है, तो एन निकाल लेते हैं। तो एन के लिए क्या करें, ए एन मान लेते हैं, क्या है लास्ट नंबर 230, तो क्या हो गया, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये कितना है -230, ए कितना है -5, एन मुझे फाइंड करना है, डी कितना है -3, ये कितना हो गया -230 + 5, ये देखो ये 5 इधर चला गया, प्लस का हो जाएगा एन -1 - 33, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 225 माइनस में, ठीक है, इक्वल टू एन -1 - 3। अब ये इधर आ जाएगा 225 / -3, ये कितना आ गया एन -1, तो माइनस से माइनस कट गया, क्लियर है। अब जो है 3 से डिवाइड कर लो आप, क्लियर, तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 7 * 21 और 5 = 75 आ गया, तो 75 = n-1। अब ये इधर चला गया तो कितना आ गया 1, इधर जाने के बाद 76। लो जी n की वैल्यू भी आ गई, d भी पता लग गया, a भी पता लग गया और n भी पता लग गया। अब मुझे क्या करना है, sn का फार्मूला लगाना है, क्लियर है। नाउ sn का फार्मूला लगाना है, तो sn क्या होता है कि sn इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट में 2a + n-1 d। एस एन कितना है, तो एस एन कितना है 76, इक्वल टू एन कितना है 76 डिवाइडेड बाय 2, सही है जी। ए की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे, -5,
प्लस एन कितना है 76 माइनस वन, डी कितना है मेरे बच्चे माइनस थ्री, तो ये आ गया ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लो, ये कट गया तो आ कितना गया 38, इसमें देखो माइनस टू और सॉरी टू और माइनस फाइव माइनस टेन, प्लस 75 माइनस थ्री, ये आ गया 38 माइनस टेन। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 1 3 7 जा 21, ये कितना आ गया 22। क्लियर है, आ गया समझ में? तो कितना आ गया 38। इन दोनों को सॉल्व करो कितना बनेगा 235। अब क्या करना है, 38 को माइनस 235 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 8930, ये आ गया S76 की वैल्यू। लो जी, यानी कि हमें SN फाइंड करने के लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। A और D अगर हमें पता है, उससे हमने AN लगाया और ये वैल्यू निकाल ली। तो इस तरीके से हम इसकी जो है वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए।